आपका google.co.uk आ रहा था, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो मैंने गूगल पे सर्च करना है और मुझे क्या चाहिए बेसिकली, चले वो उसी वाले पे सर्च कर लेते हैं, सेटिंग ख़राब हो जाएगी फिर। ठीक है इसी पे चले जाते हैं, क्लिक किया, मैं यहाँ जा कर लिखता हूँ क्या योस्ट SEO, ठीक है जी, ये आपका योस्ट SEO, ठीक है मुझे ये वाला प्लगइन, यहाँ चाहिए, एंटर नहीं दबाने की ज़रूरत, वो ऑटोमेटिकली आपका ये लोड कर देगा। आप जब भी कोई आपका प्लगइन आएगा तो आप उसको क्लिक करेंगे, आपने देखा इम्प्रूव योर वर्डप्रेस, ये पढ़ेंगे वर्डप्रेस SEO, राइट बेटर कंटेंट एंड यू हैव फुली, याद रखिएगा क्लाइंट की वेबसाइट पे ऐसे बेतुके प्लगइन नहीं डाल देने, जिस पे काम करना है बस वही प्लगइन डाल दें, ठीक है। देखने की चीज़ ये है कि इनको बहुत अच्छे स्टार्स मिले हैं, ये भी हो सकता था कि इन्होंने खुद करा लिए होते, लेकिन ये नंबर इतना ज़्यादा है कि इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग गुड देयर। कितने दिन पहले, यानी इसका मतलब पीछे टीम बैठी हुई है जो इसके ऊपर काम कर रही है, यानी ये नहीं है कि किसी ने बना के छोड़ दिया हुआ है। 5 million से ज़्यादा लोग इस वक्त योस्ट SEO को यूज़ कर रहे हैं, कंपेटेबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, आपके साथ भी कंपेटेबल है, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ से देखा योस्ट SEO, ये मैंने आपको एक प्लगइन बताया है, ठीक है मैं यहाँ इसको कॉपी करके ना उसी में रखता जाता हूँ, यहाँ नहीं था ना, यहाँ मैंने खुद मुझे याद था, ये बेसिकली दो है, योस्ट SEO और ऑल इन वन SEO, ठीक है। तो ये दो SEO में आपने एक यूज़ करना है, कोई एक, अब आप जो योस्ट करना चाहे वो योस्ट कर ले, जो ऑल इन वन SEO करना चाहे वो ऑल इन वन SEO कर लेगा। इस तरह एक और होता है मॉन्स्टर इनसाइट, लेकिन वो काफ़ी हद तक का प्रीमियम हो चुका है तो हम उसकी तरफ इतना नहीं जाएंगे। याद रखिएगा योस्ट पे अब काफ़ी हद तक प्रीमियम हो चुका है, ठीक, लेकिन ये होता पता क्या है, जब इनके ये नंबर बढ़ते जाते हैं ना तो ये भी ऑब्वियसली अपनी कुछ कुछ सर्विसेज को जो है वो फ्री से ख़त्म करके उसमें आ जाते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको कोई साइट बताई है, मैंने आपको जो साइट बताई है WP Locker भी पहले सबसे हमने ओपन की थी, कोई भी आप खोल लेंगे तो उसके ऊपर ना यूज्ड के आपको फ्री क्रैक्स मिल जाते हैं। ये सब दूसरा अकाउंट है तो मैं मान ही सर्च कर रहा, सब ये वाला जो अकाउंट है ना ये दूसरा अकाउंट है, वो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया था, ठीक है ये वाली साइट, ठीक है। तो यहाँ जाएँ आप, वही जाकर यहाँ लिख दें, सर्च करें, और मुझे ये वाला मटीरियल चाहिए यूज्ड वाला, यहाँ इसके हवाले से सर्च करेंगे ना, देखें यहाँ आपको क्या मिल रहा है, योस्ट SEO प्रीमियम, ये वर्जन मिल रहा है मुझे प्रीमियम का, ठीक है ये ऐड है, ये नहीं है, ठीक है योस्ट SEO, योस्ट लोकल SEO वर्जन से देखते हैं कि ये लोकल के हवाले से मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इन आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ें, ये देखें योस्ट SEO प्रीमियम 20.8 है, ये 20.9 नया है, ये आपका 20.8 है, आप यहाँ से भी नहीं देख सकते। अगर ये वाला प्लगइन करना होगा तो क्या करेंगे, फिर आप डाउनलोड नहीं करेंगे, फिर यहाँ जाके मैं आपको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ ना, यहाँ देखिए मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है, यहाँ जाके फिर आपने डाउनलोड किया है, ठीक, फिर आप डाउनलोड नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ जाके अपलोड न्यू प्लगइन करेंगे, जहाँ आपका प्लगइन पड़ा होगा आप उसको अपलोड कर देंगे। मसलन मैं एक मिनट ठहरे यहाँ गया, मैंने कहा और All in one SEO, best WordPress plugin, easily improve SEO ranking and increase traffic. ये भी बड़ा अच्छा है, आप देख सकते हैं कि इसके भी 3 million जो हैं यूज़र है आजकल, ये भी बड़ा चल रहा है, ठीक है। ये भी हम करते हैं All in one migration plugin, ये भी अच्छा, लेकिन ये इनमें ना कोई ना कोई रोला है, तो मैं फ़िलहाल इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। समझ आ गया आपको कि अब आपने ये Yoast और All in SEO एक ही काम करते हैं, ठीक है, तो मैंने एक ही यूज़ कर रहा है ज़्यादा, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि आप एक दो सीख लें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मुझे ना, मैंने क्लाइंट की साइट पे किया, वहाँ हुआ ये मुझे पता चला कि जी वो तो क्या नाम है प्रीमियम हो चुका है, अब मैं प्रैक्टिस उस पर की हुई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता, ठीक। तो मैंने 2015-16 में, मैं जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, एक दीवी में थीम है, दीवी थीम फ्री होता था और 90% लोग जो है ना दीवी थीम ही यूज़ करते थे,
मैं ट्यूटोरियल बनाता था, उसके अंदर भी हम दीवी थीम ही पढ़ाया करते थे लोगों को, ठीक। तो लेकिन ये हुआ कि दीवी वालों ने बाद में क्या कर दिया, उसको प्रीमियम थीम कर दिया। फिर उन्होंने अपने पूरी, पहले थोड़ा थोड़ा प्रीमियम किया, फिर सारा ही प्रीमियम कर दिया, अब वो कम हो गया। फिर इससे था ओशन WP है, आपने देखा है, ये भी पहले फ्री होता था, ठीक। 2019-20 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी इसको जाकर प्रीमियम कर दिया। तो फिर क्योंकि 2014-15 में ना ये बहुत ज़्यादा था कि हम डिजिटल एसेट सेल करना शुरू हुए थे लोग, यानी कायदा वेबसाइट से बनी थी जहाँ पर डिजिटल एसेट सेल होते थे। तो लेकिन ये कि ये वर्किंग थी, लेकिन जी देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इस तरह और भी हैं, अगर मैंने अपने से कोई करना है तो आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, मतलब जैसे मैंने ये वाला करना है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, यानी ये मेरे पास ऑनलाइन है। दूसरा, मैंने आपके लिए ना कुछ थीम्स ऑलरेडी, प्लगइन्स जो है ना वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे ये फोल्डर है, सॉरी, यहाँ पर आप आएंगे तो ये कुछ प्लगइन्स है, जैसे मेरे पास AI राइटर प्लगइन है, यानी अगर आप अपने पेज पर AI से राइटिंग करवाना चाहते हैं तो ये प्लगइन आपका यूज़ होता है, यानी वहाँ से AI से राइटिंग कराएं, बाद में अपनी कंटेंट राइटिंग को चेंज करके SEO राइटिंग में कन्वर्ट कर लें, बैक करें। ये एक टूल है All-in-One SEO Pack Pro, अभी जो आपने वहाँ से देखा ना वो प्रो नहीं है, ये प्रो प्लगइन है जो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। इसी तरह All-in-One WP माइग्रेशन 6.73 है, ये भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ जो मैंने किया है वो कौन सा है, इसकी मोर डिटेल लेते हैं। याद रखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी दो लेक्चरों में क्या किया है, ये जो पिछले दो क्लासे हमने लिए उसमें हमने क्या किया है, इसकी पूरी डिटेल है, ये इसका पूरा इंस्टॉलेशन मेथड है, जब ये अपग्रेड होगा ना तो इसके बारे में आएगा। यहाँ कुछ लोगों ने इसको 1 स्टार भी दिया है, ठीक है, और उसके पास है ये 7.5 है, इसका फिक्स 7.75 है, मेरे पास कौन सा है 6.67 है, ठीक है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये लेटेस्ट है ज़्यादा, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाटएवर जो भी इसमें आ रहा है, ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया। इसके अंदर इसकी फर्दर डिटेल अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना वाला भी करूँ, तो मैंने अपलोड प्लगइन पे क्लिक किया, चूज़ फाइल पे क्लिक कर दिया, प्लगइन्स के फोल्डर में गया, और यहाँ पर ये जो माइग्रेशन की जिप फाइल वाला प्लगइन था इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर, अब ये कर ये रहा है कि मेरे सिस्टम से पहले प्लगइन को अपलोड करेगा, अपलोड करने के बाद उसके ऊपर फर्दर जो वर्किंग है वो आ जाएगी। कहता है थैंक्स फॉर चूजिंग पॉपुलर फिक्स, वी रिकमेंडेड दैट यू सी द पॉपुलर फिक्स थीम, छोड़ दे, ठीक है, अनपैकिंग दिस, इंस्टॉलिंग द प्लगइन, ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रही है, वर्किंग हो रही है, करंट ये है, रिप्लेस विद द करंट अप। अच्छा, वो कहता है आपके पास नया पड़ा हुआ है, मैंने पहले अभी एक आपको किया ना, इससे पहले मैंने करके दिखाया है All-in-One WP माइग्रेशन 7.75, अभी मैं देख रहा था ना कि क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मैंने यही देखा था। अब या इसी कंपनी का मेरे पास पुराना है, लेकिन ना नए वाले के अंदर प्रीमियम सर्विस है, ठीक है, यानी जब ये इसके बाद इस पर पहुँचा ना तो ये पेड हो गया है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया जी। अब ये मेरा अपलोड कर रहा है पुराने वाला, इफ़ थिंग्स आर वर्किंग फाइन फॉर मी देन दिस मैसेज विल बी अपीयर्ड, प्लगइन डाउनग्रेडेड सक्सेसफुली, रिमूविंग द करंट प्लगइन, पहले को ख़त्म कर दिया है, डाउनलोडिंग द प्लगइन, पहले उसको कर दिया, अनपैकिंग द प्लगइन, मैंने एक्टिवेट प्लगइन कर दिया। समझ आ गई जी आपको यहाँ तक। सेम वर्जन में आपने अपनी ऑफलाइन वेबसाइट के ऊपर भी ये प्लगइन कर दिया, मैं ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये बंद कर रहा हूँ, फालतू चीज़ें बंद कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो गया पहले वाला, हमने उसको चेंज कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, प्लगइन्स के ऊपर आ जाता हूँ, प्लगइन्स में जाकर मैं वही वाला प्लगइन यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है, ये जितनी देर होता ना उतनी देर मैं आपको बाकी बताता हूँ। नीचे ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो उसका लॉगिन फॉर्म नहीं बना होता जिस तरह का, उस तरह का फॉर्म का प्लगइन है, ई कॉमर्स का प्लगइन है, फ्लैटसम का थीम है, लोको ट्रांजैक्शन, ये भी एक प्लगइन है, फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल मैनेजर में यूज़ होता है, पॉपटिन है, ठीक है, ये भी प्लगइन है, SEO बाय रैंक है, ये भी आपको मिल जाएगा, WP बेकरी प्लगइन है, ये भी आपका डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, अगर आप गूगल मैप यूज़ करना चाहते हैं उसका ये प्लगइन है, ठीक है, WP गूगल मैप के नाम से है, WP वर्डप्रेस का कोड को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है ये उसका प्लगइन है, और WP व्हाट्सएप बटन होता है आपके पास साइड पे एक बटन आ जाता है वो भी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है, कुछ के ऊपर वो प्रो के या रोला डाल देता है, वैसे ही व्हाट्सएप वाला फ्रीली अवेलेबल है, नेट से आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ ऑफलाइन प्रोवाइड कर दिए हैं, कुछ आपके पास ऑनलाइन है।
लेकिन अब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया, अब ये वर्किंग आपने करनी है। लेकिन अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरी ऑफलाइन वाली थी वर्किंग, मैंने प्लगइन पे क्लिक किया था, मैं यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और वही प्लगइन सेम वर्जन के साथ मैं यहाँ पर भी अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलिंग प्लगइन फ्रॉम द अपलोडेड फाइल, आपने कहा ठीक है सब कुछ हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये आ गया प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल, आई गो एंड एक्टिवेट। क्या है यहाँ से वापस गए प्लगइन में, यहाँ जाके आपने देखा क्या जी, या ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये नीचे आ जाएगा, ठीक है आपने देखना है। अब मैं अपनी ऑफलाइन वाली साइट को ऑनलाइन पे कैसे लेके जाऊंगा ये बताने लगा हूँ, ठीक है। ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन प्लगइन मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें तीन मेन्यू आ रहे हैं, एक तो मैंने ये कर लिया, इन्हें ऑफलाइन के ऊपर ये चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं। अब मैं अपने ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे गया और वहाँ पर भी मैंने कर लिया था, यहाँ पे नहीं अभी नहीं किया, ये कर लिया मैंने, यहाँ भी मेरे पास ये आ गई हैं, समझ आ गया। यानी अगर आप यहाँ क्लिक करें तो ये इसकी आपकी डिटेल आ गई है, ठीक है। उधर भी ऐसे आ गया, इधर भी ऐसे आ गया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि यहाँ से फाइल को वहाँ भेजना है। तो जब कोई चीज़ बाहर भेजनी होती है तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे और ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन के अंदर जाकर एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इट विल सेंड मी चेकआउट प्लगइन है, वो कह रहा अभी एरर शेरर है थोड़े से, वो अब आप देख लीजिएगा क्योंकि इट विल टेक टाइम अगर मैं उसको डाउनलोड करने बैठूँगा। ठीक, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट टू फाइल, और यहाँ जाके मैंने इसको एक्सपोर्टिंग के लिए कह दिया। याद रखिएगा एक लिमिट है, आई थिंक 256 MB है या 1 GB है, उससे जो है ना बड़ा डाटा ये अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। तो जो मेरी गैलरी है ना, दैट उसका साइज़ बड़ा होता है, दैट विल इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ माई वेबसाइट। तो अगर आपको ऐसा मसला आ जाए तो आप उसको ख़त्म कर दें। मेरे पास जो इस वक्त फाइल हुई है एक्सपोर्ट होके बनी है वो कितने की है, वो है 108 MB की। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, सही हो गया। यानी मैंने यहाँ पर अपनी ये डाउनलोड कर ली है लोकल लिस्ट, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये कौन सा प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैं डाटा भेज रहा था, अब इसके कंपैरेटिवली मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने डाटा लेना है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन से मैंने अब एक्सपोर्ट नहीं करना, अब यहाँ पर मैंने लेके आना है। वो दूसरी बात है कि मैंने यहाँ पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, आपने पूरी वेबसाइट नहीं बनाई होगी ना, आपने तो खाली होगा बिल्कुल, जैसे वो सिंपल सा थीम लगा होगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो आपने यहाँ जाना है, इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, इम्पोर्ट पर क्लिक करके आप इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल करेंगे और वही जो डाउनलोड के अंदर मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल अभी जो है रखी है लोकल मुर्तज़ा के नाम से, वो वाली फ़ाइल आप उठा के यहाँ रख दें। समझ आ गया, जब आपने एक्सपोर्ट की वो उसने फाइल बना के, हाँ फाइल बना के तो फाइल दे दी है, उस फाइल का लिंक मैंने यहाँ इम्पोर्ट के अंदर दे दिया है, ठीक। यहाँ ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम होगा क्योंकि 108 MB अभी अपलोड होना है, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी मैं यहाँ पर जाके देखूँगा तो मेरी वो ऑफलाइन वाली फ़ाइल मेरी ऑनलाइन हो चुकी होगी और मेरी वेबसाइट ऑनलाइन चल रही होगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप डिस्कनेक्टेड मोड में काम कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप कनेक्टेड मोड में काम करें, लेकिन मुझे ये चाहिए कि कोई एक वेबसाइट या उसका पूरा थीम पकड़कर आप इच्छी बिच्छी उसकी सारी एक्सप्लोर करके देखें कि कहाँ से होती हैं। मसलन अगर एक ये वेबसाइट हमने क्रिएट कर ली, ये हमने एक्सपीरियंस के एक तजर्बाती तौर पर बनाई, इसकी डोमेन या चेंज करना चाहें डोमेन, मैंने बताया तो है ऐसे ही, वो नई डोमेन होस्टिंग लेंगे ना तो यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा, वहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और ऑफलाइन से जाके उसको अपलोड कर लेंगे बस। हाँ बस सारा कुछ बता दिया मैंने, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है वही। एक अच्छा वर्जन ना डिफरेंट हो, अगर आपका प्लगइन का वर्जन फ़र्क होगा ना फिर नहीं होगा, फिर कोई ना कोई रोला डालेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी ना प्रिकॉशंस हैं, आपने बड़े ध्यान से काम करना है ये वाला, ठीक। लेकिन ये कि अगर दोनों सेम है, फाइलें सेम है, वर्किंग सेम है, आप देख सकते हैं 4.42 अभी अपलोड हो गई है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा मैं क्या बता रहा था पिछली चीज, नहीं ये तो हो गया ना, हाँ जी इम्पोर्ट हो गया। हाँ वो थीम को आपने पूरा देखना है, उसको आपने कस्टमाइज करना है और सारी वर्किंग जो है वो आपने उसके ऊपर परफॉर्म कर लेनी है। ठीक है यहाँ तक क्लियर, प्लगइन हो गए। अच्छा अब ना ये नहीं होता कि साइट एक ही दिन में जो है वो मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं कहूँ बन गई अब बस अब ख़त्म, ऐसे नहीं होता। ठीक है थिंग्स विल बी चेंज स्लोली एंड स्लोली, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड द डिबगिंग प्रोसेस। तो कोई भी डेवलपर ये नहीं कह सकता कि मैं जो पहली दफ़ा बना के दे रहा हूँ वो परफेक्ट है, फिर उसके बाद यूज़र आएंगे लोड आएगा एरर्स आएंगे एरर हैंडलिंग होगी। तो याद रखिएगा जो डेवलपर होता है ना, चाहे वो अपने आप को वर्डप्रेस डेवलपर कह रहा है, उसने काम चाहे डिज़ाइन से ही किया है, लेकिन वो मंथली पैसे चार्ज करता है एक छोटे से अमाउंट 3,000 से 5,000 रुपया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो है ये एक अच्छी खासी अमाउंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द बिज़नेस साइज़, वेबसाइट के साइज़ पे नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द बिज़नेस साइट्स के वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, महीने बाद चेक करते हैं, इसकी पेज स्पीड चेक करते हैं, यानी जो उसके टेक्निकल पीपल विल कॉल इट टेक्निकल SEO। सो डिजिटल मार्केटर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग दीज ऑल थिंग्स टू। अब ये ध्यान रखना भी डिजिटल मार्केटर की जिम्मेदारी है कि वो ये देखेगा कि साइट सही चल रही है, बिज़नेस सही रन हो रहा है, वो ना हो गए साइट बैठी हो पता ही किसी को ना हो, हम SEO करवाई जा रहे हैं, हम ऐड चलाई जा रहे हैं, हमारी साइट ही नहीं चल रही। ठीक है सो दैट्स मेक्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट। ठीक है तो ये भी डिजिटल मार्केटर की जिम्मेदारी है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये तकरीबन आपकी 25,000 से लेकर 35,000 की वेबसाइट है जो मैंने आपको बनानी सिखा दी है 2 दिनों के अंदर। तो दैट्स मीन कि ये वो काम है जो 2 से 4 महीने के अंदर सिखाया जाता है, हमने इसको क्विकली बेसिस के ऊपर जो है वो गो थ्रू कर लिया है। ठीक मुझे आपको बनानी नहीं आनी सिखानी चाहिए थी, यानी मुझे नहीं इससे गर्ज कि आपको बनानी आए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि अभी वो जो मैं कस्टमाइजेशन में क्लिक करता हूँ कि हेडर यहाँ है, फुटर यहाँ है, रैपर ये है, रंग यहाँ से चेंज होता है, यहाँ टाइटल लिखना है, यहाँ ये करना है, इसके लिए ये प्लगइन है, इसके लिए ये प्लगइन है। ठीक है वो चीज़ें जो हैं वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं। और एक्चुअली जो मैं आखिरी बातें आपसे की हैं कि एक योस्ट SEO का प्लगइन और एक ऑल इन वन SEO का प्लगइन जो है वो मैंने आपको बताया है, तो एक्चुअली वो हमारा कोर्स है। लेकिन ऑब्वियसली बात है जब तक मुझे साइट चलानी नहीं आएगी तो कॉन्फ़िगरेशन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अभी जब आप हम अब ये पहले आपने किया ना काम, अब ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपने पोस्ट बनानी है, फिर ये आपको बताएंगे कि काम होता है, मैं उसके अंदर आपको सिखाऊंगा। समझ आ गई? यानी अब जब आप पोस्ट बनाएंगे ना तो योस्ट SEO नीचे आपको बताएगा आपने जो टाइटल लिखा है वो SEO के असूलों के मुताबिक है कि नहीं, उसकी विजिबिलिटी सही है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, आपने जो कीवर्ड बताया क्या उसके मुताबिक आप चीज़ें लिख रहे हैं, ये वो प्लगइन मुझे बताएगा। ठीक है मैं तो भी आपको पढ़ाऊंगा ना टाइटल कैसे लिखना है, मेटा कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, बैकलिंक कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा। लेकिन इन प्लगइन्स का फ़ायदा ये है कि मेरे लिए ये काम खुद करते हैं। ठीक थोड़ा सा वहाँ से कराएंगे, थोड़ा सा खुद करेंगे, थोड़ा सा सेंस इधर उधर से पकड़ के हमने एक्सेप्शनल रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करनी है। नो डाउट नो वन इज़ परफेक्ट, सो दैट्स मीन आज कुछ और होगा, फिर 15 दिन के बाद मैं इसको चेंज करूँगा, कोई और डालूंगा कीवर्ड या देखूंगा, क्योंकि कुछ कीवर्ड होते हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे मैं बड़ी हमेशा एग्जांपल यही देता हूँ कि सेंटा क्लॉज की टोपी जो है ना वो नवंबर में बिकना शुरू होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होती है इसकी दिसंबर में तक, और जनवरी में इसकी सेल 0 पे आ जाती है। सेंटा क्लॉज का पता है? नहीं पता। क्रिसमस का पता है? 25 दिसंबर को ना क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस मनाते हैं, तो वो जो उनका वो बाबा जी नहीं है उनके वो जो टोपी पहन के घूमते हैं ना गिफ्ट बांटते फिरते हैं, उस टोपी को सेंटा क्लॉज का ऐप कहते हैं। ठीक है और ये नवंबर में बिकना शुरू होती है, दिसंबर तक ये बहुत ज़्यादा इतनी इसकी सेल होती है कि दुनिया की टॉप ब्रांड पे अमेज़ॉन कहता है कि सबसे ज़्यादा बिकती है ये दिसंबर के अंदर। ठीक है और जनवरी में इसकी सेल 0 हो जाती है। तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एवरी बिजनेस नीड्स टू बी वॉच्ड, उसको देखा जाए, उसका ध्यान रखा जाए। कहीं ये नहीं है कि मैं एक चीज़ है वो मेरे सपोज वही प्रोडक्ट है, अब मैं गर्मियों के कपड़ों के मैं जो है ऐड है वो सर्दियों में चला रहा हूँ और सर्दियों के कपड़ों के ऐड मैं गर्मियों में चला रहा हूँ, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो याद रखिएगा आपने साइट की मेंटेनेंस देखनी होती है, साइट की वर्किंग देखनी होती है, ये भी डिजिटल मार्केटर की जिम्मेदारी होती है। तो
आज हमने अपना पहला मॉड्यूल जो है वो परफॉर्म कर लिया है। और हमारा पहला मॉड्यूल क्या था, हमारा पहला मॉड्यूल ये था कि हमने आज पहली साइट देख ली है जो किस हवाले से थी, जो हमारे पास वर्डप्रेस के हवाले से थी। मैंने अब आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी है, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर वर्कआउट करें। नो डाउट इसके अंदर अब एक दो चीज़ें अगर और डाल दी जाएँ, लाइक PHP के साथ थीम मॉडिफिकेशन हो जाए, तो ये आपका हमारा कॉलेज, हम एक कोर्स पूरा कराते हैं 2 से 2.5 महीने का, इसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट होती है। तो वो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग करने के काबिल हैं। मोटी मोटी मैंने सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं, जो जो प्लगइन्स चाहिए होते हैं मैंने आपको वो भी बता दिए हैं, जो जो वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए मैंने वो भी बता दिए हैं। ये प्लगइन कोई नहीं देता आपको, मैं आपको USP पे ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर अपना दबाव खपाएं। अगर आप नहीं भी खपाते, मुझे इससे गर्ज नहीं है, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ टाइटल लिखवाना है, वो मैंने जब पोस्टर करवानी है तब लिखवाना है, जब मैंने पेज करवाना है तब लिखवाना है, वो तो मैंने लिखवाना ही लिखवाना है, उसका इनसे गर्ज भी कोई नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो कहते हैं जब सीख रहे हो ना तो सब कुछ सीख ले, ताकि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें। नोट्स बनाएं, ये भूल जाएगा, आज आप मैं करूँगा ना तो ये मुझे याद रहेगा, कल मैं करूँगा बड़ा अच्छा कर लूँगा, परसों करूँगा, 4 दिन के बाद करूँगा, मुझे जल्दी याद, इसलिए मैं बार बार करता हूँ। मैं हर 15 दिन के बाद बैच शुरू होता है, 2-2, 3-3 दफ़ा दिन में पढ़ाना होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो ये याद इसलिए रहेगा कि मैंने तो यूज़ टू करना है, लेकिन आप इसके नोट्स बना के रख लें। ये नहीं मैं कहता कि हर चीज़ के नोट्स बना लें, कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको चाहिए, उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। मैं कभी भी लॉन्ग इंग्लिश सेंटेंसेस पे बिलीव नहीं करता, शॉर्ट फॉर्म में आप सेंटेंस बनाएं, छोटा छोटा पेपर वर्क करें, ऐसा पेपर वर्क के देखते साथ ही आपको लॉन्ग सेंटेंसेस याद आ जाएं। जब किसी बिजनेस को पकड़ के एक दफ़ा काम शुरू करेंगे और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे ना, फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्रोफेशनल में नोट्स नहीं बनाने पड़ते, यानी जब मुझे पता होगा मेरे सर पे पढ़नी है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप वहाँ भूल गए ना, तो उसी को प्रेशर कहते हैं जिसे डेडलाइन प्रेशर कहते हैं। तो डेडलाइन प्रेशर में कई लोग फ्लॉप हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ जब आपकी क्लास शुरू हुई, मैंने किसी को भी अभी कोई प्रेशराइज नहीं किया, मैंने कहा खुद करना है, ठीक है। होता तरीका ये था कि मैं कहता जी आप क्या करके आए हो, आपने कितना कर लिया, क्यों कर लिया, लेकिन ये पहला मॉड्यूल था हमारा। तकरीबन आज हमें मेरे ख्याल 3 से 4 क्लासें हमारी हो गई हैं। पहले तो हमने थोड़ा सा सेमिनार टाइप वर्किंग ही की है, सेमिनार टाइप वर्किंग वही बातें हैं जो आगे भी अभी यूज़ होनी है, वो जो बातें उधर मैंने पढ़ाई है ना आपको, वो भी आपने देखनी है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस काबिल हों कि आप अपने पास जो है वो इसको वर्कआउट को इम्प्लीमेंट करें। 3, 4, 5, 10, 12 जितनी मर्ज़ी साइटें आप ऑफ पेज पर बनाएँ, याद रखिएगा ऑन पेज में ना कोई भी आपको 3 से ज़्यादा की परमिशन नहीं देता। पहले ऑफ पेज के ऊपर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा ये कोर्स वो नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं क्लास लेके गया हूँ और मैंने 1.5 घंटा 2 घंटे लैब कर लिए तो मेरा काम हो गया, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर पूरी कोशिश करेंगे। अभी ये मेरे पास तकरीबन आप देख सकते हैं कि 50.8 हो गया है। मैं कोशिश तो यही थी कि अगर कोई एरर वाली फॉर्म होती तो मैं आपको दिखा देता, बाकी ये इस तरह ही चलता रहेगा, 100% होगा और आपकी साइट माइग्रेट कर जाएगी। लेकिन अगर आप नए वर्जन में करेंगे ना, वो मेरा ख्याल है 10 MB तक करता है, उसके बाद वो आपको कहता है कि परचेज़ करें, पता नहीं $2, $3 या $10 के समथिंग लाइक दिस ना, वो आपको कहता है प्लगइन। ये प्लगइन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, दीज आर द प्रीमियम प्लगइन्स हैं। फ्लैटसम का एक थीम मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके साथ कुछ 7-8-9 जो हैं वो फ्री प्लगइन्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देखें और वर्कआउट करें, और जो जो आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए साइट के लिए वो देखें, ताकि ये ना हो कि कोई आपको कहे मेरी साइट की कॉन्फ़िगरेशन करो और खोलते साथ ही आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे, अब होगा क्या, ठीक। नॉट सिक्योर कब मिटेगा इसके लिए ना, चले अभी ना परसों मैंने आपको HTML से उससे अगले, यानी जो एक लेक्चर नेक्स्ट होगा ना, उससे जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि URL कैसे लेते हैं, ठीक है, URL परचेज़ कैसे करते हैं बेसिकली। तो वो जब URL परचेज़ करते हैं ना, तो वो जब चेकआउट होता है ना, बिल बनता है, तो नीचे वो बताता है कि जो है ना ये इस पर SSL इंक्लूडेड है कि नहीं। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था GoDaddy से ले, GoDaddy पहले साल के लिए फ्री देता है SSL सर्टिफिकेट, अगले साल 7,800 कुछ रुपये है सालाना,
वो डिजिटल आपसे चार्ज किए जाएंगे। नेम चीप वालों का लाइफ टाइम फ्री है, यानी अगर आप नेम चीप से होस्टिंग लेंगे ना, अब यही वो फ़र्क है जिसमें लोगों को पता नहीं होता, वो सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार वाली बात है, यानी उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या मुझे फ्री मिल रहा है। GoDaddy से आप लेंगे ना, वो देखने में आपको लगेगा सस्ता है, लेकिन वो उसके ऊपर आपको साइट प्रोटेक्शन भी लादा लेनी पड़ती है, आपको साइट बैकअप भी लादा लेना पड़ता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ वो अच्छे हैं। उसकी रीज़न ही अच्छा अच्छा मैं किसको कहता हूँ, जिनका सर्वर नहीं बैठता वो अच्छे हैं। अभी आपने देखा था प्रॉब्लम आ गई थी, लोड नहीं था हुआ, फिर मैं दोबारा बटन दबाया, वो कहते हैं 4 सेकंड से ज़्यादा अगर एक साल में आपको ये मसला आता ना, आप हमें प्रूफ दें, हम आपको पैसे वापस दे देंगे। यानी हमारा सर्वर 4 सेकंड से ज़्यादा एक साल में नहीं बैठेगा। वो 4 सेकंड भी जो उन्होंने टाइम रखा है, वो उन्होंने कहा है कि हमने माइग्रेशन का टाइम है, क्योंकि ना सर्वर बैकअप भी होते हैं, यानी सर्वर के बैकअप भी होते हैं, तो वो उस लिए है। लेकिन वो फिर ना महंगी पड़ जाती है साइट, लेकिन ये कि असल में ना एक साइट तेज़ चलेगी आजकल, ये भी एक फैक्टर है। एक साइट है Ferrari.com, Ferrari की साइट है, जेन्युइन Ferrari साइट है, एक्सेप्शनली फास्ट है, टॉप साइट्स पे से आता है जिन पे वीडियोस लगी हुई है Ferrari की वेबसाइट जो है। लेकिन अगर Ferrari की साइट खुले में आधा घंटा लगा देगी तो कोई Ferrari खरीदेगा? एवरी बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट दिस के यार उसके बिजनेस के मुताबिक वर्किंग होनी चाहिए। बल्कि वेबसाइट पे Ferrari क्या, कोई भी वेबसाइट अगर नहीं खुलेगी ना तो आपके पास ना उसका आपका बिजनेस लॉस्ट हो जाता है। इसमें एक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है HubStuff, ठीक है, वो कहते हैं एक ARF है, ARF वाले हैं, वो कहते हैं इनके आर्टिकल्स हैं, मैं अभी आपको बोलूँगा कि आपने आर्टिकल भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो जब आप वो पढ़ेंगे ना तो वो कहता है अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ ना और मेरी वेबसाइट 1 सेकंड फास्ट हो जाए तो मैं 110 रुपये कमा लूँगा। यानी इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि अगर मेरी साइट, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 1 सेकंड स्लो हो जाए तो मैं 10% बिजनेस लॉस्ट कर देता हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पूरे उनके आर्टिकल्स हैं, बड़े मशहूर आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर बड़ी ठीक ठाक ट्रैफिक है, सारी दुनिया पढ़ती है और पढ़ने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोर्स किया और घर बैठ जाए और आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो मेक वन थिंग क्लियर, आपको काम करना ही करना है। रीज़न, आपको मैंने एक सर्कल दिखाया था जो ऐसे करके चलता था और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाते थे, SEO साइकिल याद है, उसके बाद फिर एनालिसिस स्टेज आती थी और फिर दोबारा से वही काम है। यानी आपने कीप ऑन चेंजिंग करना है। जैसे मैं अक्सर कहता था इट विल टेक टाइम, मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, वो मूवी हैवी होती जाएगी फिर वीडियो ना, ठीक है, तो उसको फिर हम यहीं रोक लेते हैं। मैंने कोशिश